दिन है जब चाय और भजिए का मैक्सिमम मज़ा उठाया जा सकता है। आपके चॉइस का भजिया बनाओ, आलू का बन सकता है, प्याज का बन सकता है, अजवाइन का बन सकता है, बहुत सारी चीज़ों का भजिया बनता है। एंड ऑलवेज एंश्योर दैट इट इज डीप फ्राइड, इट शुडंट बी एनी ऑफ दोस एयर फ्राइड भजिया एंड स्टफ। बट द वेट लॉस इंडस्ट्री इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग अस कि फैट कम खाओ, कैलोरीज कम खाओ। वो वेट लॉस इंडस्ट्री का नहीं सुनना चाहिए, बिकॉज अगर वेट लॉस इंडस्ट्री का हम सुनेंगे तो जनवरी हो, फरवरी हो, जून हो, दिसंबर हो, मार्च हो, जो भी हो, वी विल बी ईटिंग द सेम थिंग। एंड इफ वी कीप ईटिंग द सेम थिंग देन वी आर गोइंग टू सफर, बिकॉज इन डाइवर्सिटी लाइज द होलसमनेस एंड द गुडनेस ऑफ अ गुड हेल्दी लाइफ। तो कौन से ऑयल में तलना चाहिए? अगर आप वेस्ट से हो तो फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल, अगर आप ईस्ट से हो तो मस्टर्ड ऑयल, अगर आप केरला के हो तो कोकोनट ऑयल। बिकॉज ऑयल के हिसाब से और रीजन के हिसाब से हमारा भजिया का स्टाइल भी चेंज होता है, उसका प्रिपरेशन भी चेंज होता है और उसका रेसिपी भी चेंज होता है। उसके साथ ही उसका चाय जो आप पीते हो उसका पानी भी चेंज होता है, उसमें आप क्या डालते हो वो भी चेंज होता है। सो एवरीथिंग इज सो रीजनल एंड सो स्पेसिफिक that go by everything that's local and only use the oil जो कि आपके region का हो, not वो वाला oil जो ऐसा oil हो जो absorb ही ना हो, या ऐसा oil हो जिसके ऊपर heart का diagram हो,